दोस्तों कल रात को मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था, तो स्क्रिप्टिंग करते टाइम मेरे को एक ट्वीट सामने दिखता है और वो ट्वीट देखने के बाद मेरे खुशी वो जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन जाहिर करने के बाद खुशी के पीछे का जो गम है वो भी बता नहीं सकता था। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मेम्स की दुनिया का सबसे बड़ी मूवी जो कि आपने न्यूज में पढ़ी ही ली होगी, लेकिन उसके पीछे जो दुखार राज है वो आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा वर्स्ट फीलिंग क्या थी मेरे लिए। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हेरा फेरी 3 की। दोस्तों हेरा फेरी 3 में क्या कुछ होने वाला है। शूट का डे परसों पहला डे था और शूट इंस्टेंटली शुरू कर दिया गया था। शूट की शुरुआत भाई काफी टाइम से हो रही थी। 2015 में इवेंट भी करा गया था कि भी मूवी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक इसका सीक्वल पे वर्क नहीं करा गया था। इवन अक्षय कुमार तक ने मना कर दिया था कि मैं इस सीक्वल में काम नहीं करूंगा, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं है। इसके डायरेक्टर का नाम सुनने के बाद और इसके डायरेक्टर की फोटो देखने के बाद मेरे दिमाग से हो गया था कि यार इसको क्यों मूवी दे दी। इस बंदे ने मूवीज का ऑलरेडी नासिप ला है। आपके पास सबसे बड़ा और बिगेस्ट एग्जांपल किसका भाई किसकी जान है, जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एनिमेशन और डायलॉग्स लेके शुरुआती सिनेमैटिक वर्क तक उसने सबसे ज्यादा बैड डायरेक्शन करी है भाई। तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है हेरा फेरी 3 को भाई। कोई तो अलग डायरेक्टर निकल कर आओ, कुछ तो नवा करो भाई। देखो अगर मैं इसकी लिस्ट निकालूं कि इसमें किस किस मूवीज का नाश पहला है, तो सबसे पहले हाउसफुल 4, बच्चन पांडे और किसी का भाई किसकी जान वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि अभी अपकमिंग मूवी है दोस्तों। इस मूवी को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हेरा फेरी 3 का क्या बैंड बचेगी। मैं भी उसी को देख के ही आइडिया लगाऊंगा कि क्या होगा, क्योंकि देखो आज के टाइम में सबसे अच्छी और बेस्टेस्ट थिंग इसके अंदर जो हेरा फेरी के मेन कैरेक्टर्स थे, वो चारों के चारों मेन लीडिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर काम करने वाले, वो चारों इसी स्क्रीन पे दिखने वाले माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। दुनिया में हजारों डायरेक्टर्स थे भाई, ये ही क्यों मिला है? समझ नहीं आया कि कौन था कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला। लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा कि मीम से भरी इस स्टोरी का खुद एक मीम ना बन जाए।